हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल प्रांजल बायो फोटोन ट्यूब। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज आपने सुना होगा कि जहां चाह है वहीं रहा है, तो हमने ये ठाना है आपको सीटेट में पास कराना है। तो उसी सीरीज में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, चुने हुए क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ पेडागोजी के। तो आइए चलते हैं, हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियाँ करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, बच्चों ने अभी तक संकलनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है, तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आप एनालाइज करिए कि इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो देखिए, मैं आता हूँ एक एक ऑप्शन पे आपसे डिस्कस करता हूँ। बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, तो आपने ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है? तो इसलिए देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इसके बाद में बात करता हूँ सेकेंड ऑप्शन की, बच्चों ने अभी तक संकलात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। थर्ड पे आ जाते हैं, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। तो देखिए, बच्चे की रुचि नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो उनका पढ़ने नहीं मन लगता, वो क्लास में बैठ के सो जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अनुशासनहीनता उत्पन्न कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, इसमें आ जाता है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए, तो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि बच्चों को प्रोन्नत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। देखिए, जब भी बच्चे गलतियां करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम लोग जो है यहाँ पर देखिए क्या है, सीटेट में क्या है, छात्र केंद्रित है। तो छात्र केंद्रित है, हमें टीचर को ये सोचना है कि हम बच्चों को कैसे सिखाएं, हम शिक्षा को कैसे रुचिकर बनाएं। तो रुचिकर बनाने के लिए क्या करें, बच्चा एक पैटर्न से नहीं समझ रहा है, एक शिक्षण विधि से नहीं समझ रहा है, आप दूसरे शिक्षण विधि लगाइए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ में पैदा होते हैं, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास कर ले। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें आपको स्पष्ट करना है, अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता, बच्चा असफल क्यों हो रहा है, बच्चा असफल क्यों हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी रह गई है, हमने जो शिक्षण पद्धति को जो फॉलो किया है वो बच्चे को कहीं ना कहीं समझ में नहीं आया है, नहीं तो बच्चा कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स ज़रूर करता। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट है। नो कम्स द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखिए, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वह करेगी, बच्चा इंटरनल मोटिवेटेड है, अंदर से ही मोटिवेटेड है, उसको बाहर मोटिवेशन की एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनल मोटिवेशन की। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित देती हैं, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। तो देखिए, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन में आ गया, इंटरनल में नहीं रहा, तो ये तो सीधा सीधा चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना। तो देखिए, सभी बच्चों के लिए एक समान मानक आप नहीं लगा सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, कुछ डफर होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, ठीक है, कुछ बैकबेंचर्स होते हैं, तो सभी के लिए एक मानक नहीं लगाया जा सकता है। अब बात आ जाती है कि आपके ऑप्शन नंबर 2 और 3 बचते हैं, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन, देखिए अभिसारी चिंतन यहाँ पर, देखिए अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित देती हैं, अभिसारी चिंतन, देखिए अभिसारी चिंतन कहाँ से हो जाएगा, अभी समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, 3rd भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ओके, नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? आप अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। बच्चा क्या करे, आपसे क्वेश्चन पूछे। ऑप्शन पे विचार कर लेते हैं। प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाता है, ये तो नहीं कह सकते कि प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाते। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे एक टॉपिक की बजाय दूसरे टॉपिक से जो है बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता है। नंबर टू, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि हम बच्चों में बुद्धि की कमी को ही उनको महसूस करवा दें, तो फिर बच्चा प्रदर्शन कैसे करेगा, ठीक है ना, बच्चे में इंप्रूवमेंट कैसे होगा, ये भी गलत है। नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। प्रश्न अनोन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकलात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं, ठीक है ना। बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा कि जो प्रश्न हैं वो अनोन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकलात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वन करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है, ठीक है ना। अधिगम अशक्तता, अधिगम इस पढ़ने में जो बच्चे अशक्त होते हैं, पुअर होते हैं, कमजोर होते हैं, इनकैपेबल होते हैं, उन बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, अन्य बच्चों को धमकाना, ये आपके दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों में से कोई सही हो सकता है, इन दोनों में सबसे अप्रोप्रिएट हमें आंसर को चूज करना है। तो देखिए जिसकी भी 50 के नीचे की अगर बुद्धि लब्धि है तो वो भी धारा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना, उसको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। अधिगम अशक्तता केवल किन के लिए होती है, जो बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सही से सकते हैं, ठीक है ना, जिनको धारा प्रभाव पढ़ने में परेशानी होती है, शब्दों में पलट कर जाने में कठिनाई होती है, ऐसे बच्चे ही अधिगम अशक्तता की श्रेणी में आते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका टू हो जाएगा। इट इज क्लियर। नाउ कम्स एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है, सर्वोत्तम क्षमता की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए नंबर वन, जब विद्यार्थियों की बहुकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षणों के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। नंबर टू, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। जब संकलात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों के आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। तो आप अपने मन में ये अच्छे से बैठा लीजिए कि कोई भी बच्चा जब क्लास में जाता है, पढ़ता है, स्कूल में जाता है, पढ़ता है, तो हम उसके, आपने देखा होगा जब रिपोर्ट कार्ड, ईयरली रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, तो ईयरली रिपोर्ट कार्ड में केवल एक ही चीज़ को फोकस नहीं किया जाता है कि उसने क्या किया। आपने देखा होगा कि कुछ ओरल एक्टिविटी भी ली जाती हैं, रिटेन एक्टिविटी भी ली जाती हैं, साफ सफाई में बच्चा कैसा है, सारी इन सारी चीज़ों का एक जो है ओवरऑल ईयर, होल ईयर जो है स्टडी की जाती है बच्चे के ऊपर, तब जा करके उसका फाइनली रिपोर्ट कार्ड बनता है। तो इससे आप मेरा कहने का मतलब समझ ही गए होंगे कि बच्चे को विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए आप। वाइगोत्सी के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है ना। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। बात हम किसकी कर रहे हैं, बायोप्सी की कर रहे हैं, और बायोप्सी में भी समीपस्थ विकास की बात कर रहे हैं कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए बच्चा है, जब आप उसको फ्री छोड़ेंगे वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है ना, और जो उसने वर्क हेल्प के साथ में किया हुआ है उन दोनों को ही जब आप स्टडी करेंगे, उनके बीच में अंतर निकालने की कोशिश करेंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। इट इज क्लियर। नाउ कम्स एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल भी सीटेट में डरने की जरूरत नहीं है, आपको पेशेंस के साथ में क्वेश्चनों को अच्छे से धीरे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं, बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं की बात हो रही है। पियाजे की,
पियाजे को अगर आपने स्टडी किया होगा, इसकी पियाजे की थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पियाजे ने क्या दिया है, अनुकूलन की प्रतिक्रियाएँ ही दी हुई हैं। सीधा सीधा यहाँ पर रखा गया है, आपको केवल क्या करना है, पढ़ लेना है और उसको टिक कर देना है। ओके, नाउ कम्स एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। भाई पूर्व संक्रियात्मक की बात आ जा रही है, तो यहाँ पर देखिए ये वर्ड जो है पूर्व संक्रियात्मक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के आंसर को डिसाइड करने के लिए, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं। उच्च स्तर कहाँ से आ जाएगा, यही आपकी गलत हो जाता है। व्यक्तिगत कल्पित कथा, तो ये भी छोटे बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को जो विचार होते हैं उनमें अनुक्रमणीयता होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो देखिए समाज की बात हम करते हैं, समाज में सारी तरीके होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए क्या बताता है, मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, चलिए छोड़ देते हैं। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, केवल आप मित्रों के साथ में बनेंगे, बाकी और लोग भी तो हैं, आप उनके साथ में अगर मिक्सअप नहीं होते तो समाजीकरण की पहलू में आप कहां से फिर बैठते हैं। घुले मिले तथा समायोजन की, ये भी बात नहीं आती है। एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की बिल्कुल भी नहीं आती है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जब आप एक दूसरे के मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की बात जो है रखते हैं। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आपका 1st हो जाएगा। इट इज क्लियर। तो देखिए इस तरीके से आपने अभी तक 10 क्वेश्चन किए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन पे। आप सीटेट में कुछ मत करिए, बस ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़िए, अच्छे से उनके ऑप्शन पे विचार करिए, क्योंकि अब सीटेट में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो हैं उसमें कभी कभी एक या दो ऑप्शन भी ठीक रहते हैं, लेकिन हमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है, जो सबसे ज़्यादा सटीक हो वही आंसर आपको टिक करना है। इट इज क्लियर। तो चलिए, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विविधीकरण पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विविधीकरण का एक उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए चलिए बात कर लेते हैं। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल गलत। आप अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो आप अगर लड़का लड़की में ही विभेदीकरण कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत होती है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, आपने देखा है कभी ऐसा होता है, नहीं होता, ये भी गलत हो जाता है। अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए हुए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं, ये भी गलत है, बच्चे तो सभी बराबर होते हैं। तो इसके लिए ये तीनों ही ऑप्शन इसके गलत हो गए, सीधा सीधा पहला ही ऑप्शन बचता है जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होना चाहिए, तो देखिए अपने विद्यार्थियों की सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि, ठीक है ना, वो सुनिश्चित करती है कि आकलन में जो है उसका किस तरीके से मेंशन हो, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आपका जो है क्या हो जाएगा, 2nd ऑप्शन हो जाएगा। इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, कोलबर्ग फेमस क्वेश्चन रहते हैं, बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए उन क्वेश्चनों की जब हम बात करते हैं कि कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। कोलबर्ग को अगर आपने स्टडी किया होगा, ठीक है ना, तो उन्होंने देखिए उनकी जो आलोचना का सबसे पहला ही फैक्ट है, क्या फैक्ट है कि कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। सीधा सीधा यहाँ पर ऑप्शन आपका ये रखा गया है, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट वन आते हैं। नेक्स्ट वन में देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बाइगोत्सी के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा है बात, अच्छे से एक बार जो आपको अंडरलाइन करने वाली बात है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, कौन सा बाइगोत्सकी के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध, अधिगम के बीच में संबंध है विकास और अधिगम। तो देखा होगा आपने पढ़ रखा होगा इनके, आपने बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, अधिगम तथा विकास समानांतर प्रक्रियाएं, बिल्कुल समानांतर प्रक्रियाएं नहीं है, क्योंकि आपका आपने देखा होगा लर्निंग जो है आपकी होल लाइफ चलती रहती है, विकास आपका एक टाइम पर जा करके रुक जाता है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं हो जाएगा।
विकास अधिगम के स्वाधीन है ये भी नहीं हो सकता है, विकास अधिगम का समानार्थक है ये भी हम नहीं कह सकते हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, दिस इज द ऑप्शन इज करेक्ट। ओके नाउ द नेक्स्ट वन, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है, किस प्रकार से अध्यापिका, ठीक है ना, बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। तो देखिए बच्चों को बेहतर आप कब कर सकते हैं, बच्चों को रिजल्ट कब उनका अच्छा सकता है, जब आप बच्चों को फ्री छोड़ दें वो अपने हिसाब से समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें और जहां पर उनको टिपिकलनेस फील हो वहां पर आप उनकी हेल्प करें, ठीक है ना। तो ये एक सबसे बढ़िया समाधानकर्ता बनाने में आप उनकी बच्चों की सहायता कर सकते हैं, तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है, वह, ठीक है ना, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, तो आपने देखा होगा प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित वो नहीं कर रही है, उसके दिमाग में जो उसने प्रोजेक्ट पे वर्कआउट किया उसके बाद में उसके मन में कुछ थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, विचारों का संगठन जो है वहां पर आ रहा है, वो उसी को निर्देशित करने के लिए शो कर रही है, ठीक है ना। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्कआउट करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें बहुत ढेर जो है सारे जो है थॉट्स जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, हम उन्हीं को एक रूप देने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन हो जाएगा, इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी, तो देखिए भाई अध्यापिका क्या करेगी, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, तो सीधा सीधा ये आपका गलत हो गया। सेकंड, मुख्य तत्वों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति हम बच्चों के लिए लागू ही नहीं कर सकते हैं, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना तथा बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो देखेंगे इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिनमें शिक्षार्थी अपने स्वयं को अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित करें, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके नाउ द नेक्स्ट वन, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारी जनरल फीलिंग्स की बात की जा रही है, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि जन्म से इस प्रकार के वो होते हैं, आप पहले से ही समझ लीजिए एटमॉस्फेयर ही रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, तो इसलिए लड़कों को ये जन्म से ही होते हैं, तो ये कहना गलत होगा। यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती हैं, अब 20वीं सदी में हैं, ठीक है ना, तो ये आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं, ये एक रूढ़िवादिता के थॉट्स को ही शो करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा हमारा जो भी लड़के लड़कियों में अगर भेदभाव थोड़ा सा भी समाज में व्याप्त है वो हमारे घरों के अंदर ही रहता है, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों से भाई सेवा भाव करवा लो, ठीक है, घर के काम करवा लो, ठीक है, और जो लड़के होते हैं उनको भाई क्या लड़के होकर के आपने रोड अक्सर अपने घरों में जो है प्रैक्टिकली आपने ये चीज़ फील की होगी, तो ये इस तरीके का भाव रहता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका वन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गार्डनर के बहुविध के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है, ठीक है ना। तो संगीत में बिल्कुल नहीं हो सकता, आदत में बिल्कुल नहीं हो सकता है, भाषा विषय वो भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो सकता है, अंता व्यक्तित्व हो सकता है, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, इट इज क्लियर। तो देखिए जहाँ चाह है वहाँ राह है, अगर आप कोशिश करेंगे समझने की कोशिश करेंगे प्रयास करेंगे तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर आप सक्सेस होंगे। आपने चींटी से एग्जांपल ले सकते हैं, चींटी आपने देखा होगा कि बार बार पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, ठीक है ना, बार बार गिरती है लेकिन वो एट लास्ट में जा करके जो है वो सक्सेस हो जाती है। तो हमें अपना प्रयास करना नहीं छोड़ना है, हमें बार बार प्रयास करना है, ठीक है ना।
तो सफलता हमारे एक दिन कदम जरूर चूमेगी। चलिए नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, बाल विकास का सिद्धांत की बात हो रही है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनोन क्रिया की वजह से घटित होता है, ठीक है ना। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, बिल्कुल नहीं लगा सकता। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक होता है, अनुभव कहाँ से हो जाएगा, बच्चे लर्निंग में स्टेज में हैं तो बच्चों के पास में अनुभव कहाँ से हो जाएगा। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, बिल्कुल बच्चों को दंड दिया ही नहीं जा सकता है, तो सीधा सीधा ये तीन ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाता है। ओके नाउ द नेक्स्ट वन, वाइगोत्सी तथा पियाजे के परिपेक्षों में एक प्रमुख विभिन्नता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, हर जगह आलोचना भी नहीं है, उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स भी दिए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे से भी मोटिवेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से थ्योरी दी हुई है। ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। अगर आपने वैगोत्सी पियाजे को पढ़ा होगा तो उन्होंने देखिए क्या दे रखा है, उन्होंने भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण के थॉट्स को उन्होंने शो किया हुआ है। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वन, प्रगति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, ये हो सकता है। बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पले बड़े हैं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये आपका गलत हो जाता है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, बिल्कुल गलत है, परिवेश का मैंने आपको बोला ही है, बच्चा अगर जो है जहाँ भी रहेगा तो परिवेश का अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में आपका जो है राइट आंसर हो सकता है, तो मेरे हिसाब से जो वंशानुक्रम है और परिवेश ये अभिन्न रूप से एक दूसरे से जो है गुथे हुए हैं, एक दूसरे के जो है साथ में ही चलते हैं और दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका फोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, बिल्कुल नहीं, कोई भी जैसे आपने देखा होगा, ये क्यों नहीं हो सकता, आपने देखा होगा कि किसी को प्यास लगी है तभी वो पानी पिएगा, नहीं प्यास लगी तो वो नहीं पिएगा, ठीक है ना, तो ये इंटरनल फीलिंग्स आ गई, ठीक है ना, तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, ठीक है, अब इसको देखते हैं, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता, तो ये भी बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाता है। अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है, ऐसा भी नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन देखिए तीनों आपके गलत हो गए हैं, ऑप्शन नंबर टू आपका करेक्ट हो गया है। इसके बाद में आ जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, ठीक है ना। चलिए अभी इसके हमने बात को समझा, ऑप्शन नंबर सेकेंड देख लेते, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए, बिल्कुल ये गलत बात हो आ गई, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, तो देखिए ये बिल्कुल गलत हो जाता है, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया नहीं करनी है, आप कौन होते हैं भाई दया करने वाले, आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है, ये भी आ जाता है आपका रॉन्ग ऑप्शन में आ जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा, अगर समावेशी शिक्षा जो है अगर आपको जो है यहाँ पर अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप समावेशी शिक्षा जाकर के आप देखेंगे, जाकर के जब थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएगी, समाज में जो विभिन्नता है और विद्यालयों की इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के एक समावेशी होने की आवश्यकता है, ठीक है ना, तो यही आपका थॉट्स जो है बिल्कुल क्लियर होता है। नेक्स्ट वन, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा के अंकों के साथ सहसंबंध किया जाए, ठीक है ना। शिक्षण अधिनियम में आकलन की भूमिका को नकारना,
विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए संरचनात्मक कक्षा कक्ष की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में इसका जो ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ। आप ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, प्रतिष्ठा की बात कहाँ से आती है, तो इसलिए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना, यह आपका गलत हो जाता है। शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना बिल्कुल गलत है। विद्यार्थी अपने आकलन के एक बात निर्धारक होंगे, विद्यार्थी कैसे आकलन कर लेंगे अपने आप को, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका क्या बचता है, 4 बचता है, 4 इसका राइट आंसर है। इट इज क्लियर। नाउ कम फॉर द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। सृजनात्मक क्रिएटिव बच्चा को हम कैसे आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है ना। तो देखेंगे आप इसमें यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। मानकीकृत, आप देखेंगे हमें क्रिएटिव बच्चा चाहिए, वो किस तरीके से अवलोकन करता है, किस तरीके से समस्याओं को हल करता है, उसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बच्चा क्रिएटिव है या नहीं है। इट इज ओके। नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं, ठीक है ना। एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है, कोई मतलब नहीं है। एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है, बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। वंशानुक्रम को कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता एक ये प्रथम की तरीके से आपका जो है क्या करती है, वर्कआउट करती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, ठीक है ना, अध्यापिका की मनोदशा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यता, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चों के निष्पादन का स्तर, ठीक है ना। तो ये मनोदशा से कोई मतलब नहीं है, बच्चे की नैसर्गिक योग्यता से भी कोई मतलब नहीं है, नैसर्गिक योग्यता, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो क्या आ जाता है, बच्चे के निष्पादन का स्तर क्या है, ठीक है ना। तो इस बात पे वो कितना एक्टिव है, कितना कर सकता है, उसको और कितना हेल्प दें जिससे कि वो कंप्लीट बहुत अच्छा सा जो है रिजल्ट हमें दे, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना एक्टिव है। इट इज क्लियर। चलिए आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। शिक्षण का विकासात्मक परिपेक्ष शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाएं। आप कठोर अनुशासन बिल्कुल बच्चों के लिए नहीं बना सकते हैं, हटा दीजिए। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेश नियुक्तियों का अनुकूलन करें, चलिए इसको छोड़ देते हैं। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, ये आप बिल्कुल भी एक मतलब जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चों के साथ आप एक जैसा समान व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में हो, बाकी क्षेत्र कहाँ जाएंगे अगर हम संज्ञानात्मक क्षेत्र को ही जो है फोकस करेंगे, और भी सारे फील्ड्स में बच्चों को जो है बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या जाएगा, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, जिसमें जो फिट हो उसके साथ में हम चलें। नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप पढ़ाया ना जाए, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनके परीक्षण किए जाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाता है। वे सीखने के लिए तैयार ना हों, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे, तो बिल्कुल गलत बात आ जाती है। जब तक वो तैयार नहीं होंगे बच्चे सीखने के लिए, तब तक आप किसी को नहीं सिखा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखिए बात करते हैं हमारा जो चैनल है, ठीक है ना, ये आपका जो चैनल है ये सबसे टॉप क्लास का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करने के लिए प्रॉमिस करता है, और बहुत अच्छा मटेरियल आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू।